Assalamu alaikum students, my name is Numan Ahmed, your social study teacher. Today is our second lecture, and in this lecture we will cover a topic: shortage of fresh water and water pollution in Pakistan. It's called a scarcity as well, and there are the several factors that have contributed to the water crisis in Pakistan, such as an increase in population in urban areas, agriculture, mismanagement of the water system, and climate change. If the water crisis in Pakistan is not solved, the impact felt by people in the country will worsen. So today we will see first our sources of water, and actually what we are doing at our home, in school, in agriculture, and in industrial area. Let's see our first slide. You can see, जैसा कि आप देख सकते हैं कि water resources in the world. तो first we will talk about the whole world, कि कितना पानी, कितना water we are using all over the world. So you can see that the all water on earth, it's just 97% saline, ठीक है, and the fresh water only in 3%, ठीक है. यानी कि salty water तो we can find, the sea is full of water, but it's all our salty water, so we can't use it. But if we are see the fresh water we can find only in 3%. अब ये 3% को किस तरह उन्होंने जो है वो trap किया हुआ है वो अब हम आगे देखेंगे. जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, वी कैन सी द ग्राउंड वाटर इज 30.1%, अदर रिसोर्सेज वी हैव 0.9, एंड सरफेस वाटर 0.3%. इट्स कॉल्ड आइसकेप एंड ग्लेशियर्स. तो ग्लेशियर्स ने कितना अंदर अपना ट्रैप किया हुआ है वाटर को, वो है 68.7%. लेक्स 87, ठीक है. अच्छा, ये जितना भी परसेंटेज यू कैन सी फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन, इट्स ऑल वी ऑल अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर इन 3%. इफ वी टॉक अबाउट द वाटर पोल्यूशन, टू वाटर पोल्यूशन सेइंग अस दैट इज द वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान. फर्स्ट, if we talk about the rank, Pakistan rank at the number 8080 among 122 nations regarding a drinking water quality. Drinking water quality sources, both surface and groundwater, are contaminated with the coliforms, toxic metals and pesticides throughout the country. It's a major, if agar main baat kare ki major jo cheeze hoti hain wo, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सीवरेज वाटर की जो लाइन, सीवरेज की लाइन और ड्रिंकिंग वाटर की लाइन अक्सर नीचे ग्राउंड में जाके मिल जाती है. सीवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता, वो जाके डिस्टर्ब करता है लेक्स को, वो जाके डिस्टर्ब करता है वेल्स के वाटर को, और वो उसको भी, जो साफ़ पानी है उसको भी गंदा कर देता है. और उसके बाद जो सीवरेज का जो पानी होता है वो सिर्फ हमारे ही घरों से जो नहीं निकलता, वो इंडस्ट्रियल एरिया से भी थ्रू आउट होता है और जाके पीने के पानी में मिक्स हो जाता है. अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, तो एग्रीकल्चर को, अब जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक एंड पब्लिक यूजेस जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो हमारे पास एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के लिए आप देख सकते हैं पूरा सर्कल इन्होंने फिल कर दिया. जाहिर सी बात है, हमारा जो मुल्क है वो 87% जो अब यहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, उनकी फील्ड एग्रीकल्चर है, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, और एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादा है. तो ज़ाहिर से बात है, जब ज़मीनें ज़्यादा होंगी, क्रॉप ज़्यादा उगाएंगे, डिफरेंट काइंड टाइप्स के क्रॉप्स उगाएंगे, खरीफ की फसल के अलग प्रोडक्शन हो रही हैं, खरीफ की फसल के, रबी की फसल के अलग प्रोडक्शन हो रही हैं, तो उसमें फिर पानी का, जाहिर सी बात है, ज़मीन है, ज़रखेज़ करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा. हर फसल की अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी उसको दिया जाता है. तो उसी तरह उन्होंने सर्कल को भी पूरा ब्लू कर दिया है कि 93% जो है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर सी बात, जो 93% जो इस्तेमाल हो वो फ्रेश वाटर है.
अब वो फ्रेश वाटर जो है, सॉरी, वो फ्रेश वाटर हमारे घरों में भी आ रहा है, वो फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर के भी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी 2% इन्होंने कहा है कि हमारे लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो इंडस्ट्री के लिए है। हम यानी कि इंडस्ट्री में भी हैवी जो सारे मशीनरी है, कूल डाउन को कूलिंग का प्रोसेस अलग कर रहे हैं, मेडिसिन में अलग यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी के लिए अलग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आ जाता है हमारी जो वर्किंग है, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एंड पब्लिक यूजेज एंड वी आर यूजिंग इन हॉस्पिटल, वी वाटर यूजिंग इन अ ड्रिंकिंग एंड अ वॉशरूम इन बाथरूम, वी आर क्लीनिंग अ फ्लोर्स, टेकिंग अ बाथ, वी आर यूजिंग इन सलून, वाटर यूजिंग इन सलून एंड डिफरेंट काइंड ऑफ होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी के यूज़ करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक के लिए यूज़ हो रहा है, पर ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए। और अगर यही चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, लेक को गंदा पानी मिलेगा, तो वही गंदा पानी जो है, अगर छोटी सी इसकी एक छोटी एग्जाम्पल दूंगा, मलीर नदी जो कि एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा यानी कि नाला है जो गंदे पानी का है, मगर वहाँ पर सब्जियाँ उग जाती हैं जिसे लोग अवॉइड करते खाना। अब जब पानी गंदा है तो सब्जियों में भी फिर उन्हीं की जर्सीम और उन्हीं की चीज़ें आएंगी और वो डेवलप हो जाएंगी, और फिर एक गंदे पानी की जो सब्ज़ी है वो कौन खाना पसंद करेगा, वो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए पानी को, जब पौधे को भी, प्लांट को भी फ्रेश वाटर चाहिए। अब फ्रेश वाटर हमें अब किस तरह से कंज्यूम करना है, किस तरह से हमने उसको सेव करना है, किस तरह से हमने अपने वो जो वाटर बैंक हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, उसको मिसमैनेजमेंट नहीं करना कि वो सीवरेज का पानी उनमें मिक्स ना हो जाए, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वी कैन सी इन दिस स्लाइड, सर्फेस वाटर पोल्यूशन फाउंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड ओशंस रिवर्स एंड लेक्स, लेक्स और उन सबको गंदा करने के लिए भी हम ही लोग हैं जिम्मेदार, जो आसपास वहाँ लोग रहते हैं या पिकनिक में जाते हैं या डिफरेंट काइंड की वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पर कोई सेटअप बनाया गया हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर जिन भी उनको लगता है कि जो टॉक्सिक वो यूज़ कर रहे हैं या जो मटेरियल वो वहाँ पर आसपास यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ पर वो बिल्कुल ही वहाँ पर बिन करके डंप करके चले जाएँ, वो फिर वो किसी हवा के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए वो जो है वो फिर समंदर में चला जाए या पानी में चला जाए या लेक में चला जाए, और फिर वही वहाँ से फ़िल्टर होके जो है वो हमारे पास आ रहा है। मगर कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, हर जाहिर सी बात, हर मटेरियल की, एवरी मटेरियल का अपना रिएक्शन होता है, उनकी अपनी जो है वो डम करने की एक एक्सपायरी होती है, जो मगर वो हमें तो लगता है कि फ़िल्टर हो गया, मगर वो बज़ाहिर वो फ़िल्टर नहीं होता, ठीक है। हर मटेरियल को पानी से निकालने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पानी से निकालने के लिए एक फ़िल्ट्रेशन का एक डिफरेंट मेथड होता है, ठीक है, मगर हमारे पास एक प्रॉपर एक ही फ़िल्टर है जिसमें पानी एक ही तरीके से फ़िल्टर हो गया, कुछ चीज़ें फ़िल्टर हो जाती है, कुछ चीज़ें फ़िल्टर नहीं होती, जो नहीं होती वो एक बीमारी का बाइस बनती हैं। इन दिस स्लाइड यू कैन सी द माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर थ्राइव्स ऑफ ऑन वाटर एंड विच इज दैट कैन कॉज इलनेस टू द लैंड, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, यानी कि ये तो जानवर को तो बीमार करते हैं, ये ह्यूमन को भी बहुत बीमार करते हैं, क्योंकि वैसे तो एनिमल का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो कोई भी चीज़ खा लेते हैं, वो मरी हुई चीज़ भी खा लेते हैं, वो गंदी चीज़ भी खा लेते हैं, हाइजेनिक इनको तो ज़्यादा इशू नहीं होता, इम्यून सिस्टम इनका हमारा इंसानों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर हम लोग तो हाइजेनिक चीज़ खाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अगर हम कोई ऐसी गंदी चीज़ खा लें और हमारे जो अंदर के जो सेल्स होते हैं वो उससे इतना सा नहीं इतना अच्छा तरीके से लड़ पाते। और अगर यही चीज़ हमें पानी के हमें बैक्टीरिया के थ्रू मिले, जैसे कि शंगीला बैक्टीरिया है पानी का, जो कि बैक्टीरिया और बहुत ख़तरनाक है, और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरसेस में नॉरवॉक वायरस है या रोटेवेरियस वायरट है या ग्रेडिडिया वायरस है, ये वायरस वो वायरस हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जो गंदगी की वजह से पैदा होते हैं, जो टाइफॉइड वगैरह के और दूसरे जो डिजीज़ हैं उनका बाइस बनते हैं, जो हम जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो म्यूनसिपल सीवरेज है, हाउस होल्ड है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाइन्स कंडीशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूशन होता है, ये म्यूनसिपल सेविन और हाउस होल्ड, तो ये हमारे खुद के अपने हाथ में होता है कि आपने जो है पानी को गंदा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आपके खुद के घर की ही लाइन में अब दो ही एक ऐसी, अब जाहिर से हमारे घर के पास से दो लाइन जा रही होती है, एक तो सीवरेज की लाइन होती है और एक पानी की साफ लाइन होती है, अगर वो नीचे बीच में से कहीं क्रैक हो जाती है, लीकेज का पाइस होती है, तो सीवरेज का पानी पीने मीठे पानी में या पीने के पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है, और फिर हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करें, टेक अप, इफ़ यू टेक अ बाथ, ऑब्वियसली
आपके नाक मुंह में तो जा रहा है ना, आप यूज़ तो कर रहे हैं ना, वजू तो कर रहे हैं, आपको कुरूली तो कर रहे हैं ना। अगर आप पानी, आपके घर में जो पानी आता है वो मिनरल वाटर आता है, मगर मिनरल वाटर तो आता है, मगर क्या हम उसको कुरूली नहीं कर रहे हैं? हम अपने टीथ ब्रश नहीं कर रहे हैं, सही है, हम अपना नाक साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम वी आर टेकिंग अ बाथ एवरी डे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे खुद के हाथ में होती हैं। हम देखते हैं कि गली के बाहर जो है एक वो गटर जो है सीवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, और हम उसको सही भी नहीं करवाना चाह रहे, वो वेट कर रहे हैं कि म्यूनसिपल वैन हमारा जो हमारे एरिया का जो भी सिस्टम है वो आके उनको सही करेंगे, या हम लोग एंड वी विल बी एंग्री ऑन आर जो भी गार्बेज कलेक्टर होता है उन पे गुस्सा कर रहे होते हैं। मगर ये तो चीज़ हमारे खुद के हाथ में होता है, क्योंकि ये हमें नुकसान दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें खुद करना है। अब इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मेडिसिन्स बन रही हैं डिफरेंट काइंड्स की, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कपड़ा डाई हो रहा है उसमें डिफरेंट केमिकल यूज़ हो रहे हैं, सही। अब वो वेस्ट जब बाहर जाता है, और वो पानी वैसे तो जाता है तो वो वेस्ट में ही जाता है, सही है, एक प्रॉपर उनका चैनल होता है, मगर वो कहीं ना कहीं जाके मीठे पीने के पानी में या मीठे पानी में मिल जाता है, जो बाद में आसपास के रिहायशियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे लिव नियर बाय दिस इंडस्ट्रियल एरिया एंड दे आर स्टार्टेड टू मूव। अब प्रॉपर चैनल के साथ वो जात हो रहा है पानी, मगर वो गंदा पानी साफ पानी में मिल जाता है, तो वो फिर मुख्तलिफ और बीमारियों का बायस बनती हैं, जो कि प्रॉब्लम करती हैं हमें, टाइफॉइड या दिस डिफरेंट काइंड ऑफ हम डिजीज़ जो है अपने बॉडी में देखते हैं, डायरिया भी हो सकता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के जैसे कि मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी थी कि हमारे यहाँ एक मलीर नदी है जो बह रही है, ठीक है, और वहाँ आसपास वह खेती बाड़ी भी हो रही है। अगर आपने कभी आपके बहन भाई जाएँ या आपके अपने फादर का वहाँ से गुजरना हो तो वो आपको खुद देंगे, यार ये जो सब्ज़ियाँ कभी बार जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं सडनली, वो सब्ज़ियाँ भी जो उस वेदर की होती भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैं लेडी फिंगर की बात करूँ, लेडी फिंगर जो है ना वो बहुत ही एक सॉफ्ट होती है, और आप चाहें तो आराम से तोड़ सकते हैं, मगर कभी वो इतनी सख्त हो जाए आप कहते हैं यार ये जो लेडी फिंगर है ये एक तो इस वेदर की है भी नहीं, ठीक है। और अगर कराची से अवेलेबल है तो हम वी श्योरली कन्फर्म करते हैं कि आया ये मलीर नदी की, क्योंकि मलीर नदी में गटर का पानी बहुत एक ह्यूज उस पर बह रहा होता है, और वो उसके आसपास उन्होंने खेती बाड़ी भी कर रही है, और वो गंदा पानी यूटिलाइज़ करके उससे वो प्लांटिंग कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है, कि पानी गंदा है तो वो फिर प्लांट भी आप उसको खा नहीं सकते, वो भी गंदा ही होगा और आपको बाद में जाके नुकसान पहुंचाएगा। म्यूनसिपल सेवेज अबाउट द 2,000 मिलियन अ गैलन ऑफ अ सेवेज इज अ बीइंग डिस्चार्ज टू सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज एवरी डे इन पाकिस्तान, जो कि फिर हमारे मुख्तलिफ चैनल से होता हुआ जाकर जो है वो कहाँ डंप्ड होता है, पाकिस्तान सी में, कराची में जो एक चार है प्रॉपर तरीके से, बहुत बड़े नीचे ही अंडरग्राउंड उन्होंने वो इस कॉल इन ईजी वे थ्रू बरसाती नाले, वहाँ से होता वो पानी, वो गंदा पानी जो होता है वो डंप हो जाता है समंदर के अंदर। अब एनसीएस के स्टेट दे स्टेट दैट के 40% ऑफ डेथ आर रिलेटेड टू द वाटर बोन डिजीज, यानी कि जो आप जो ये जो 40% जो लोगों की शराय अमवात बढ़ रही है वो उसमें पानी का बहुत बड़ा हाथ है, कि बीमारियां शुरू ही पानी से होती हैं, क्योंकि पानी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है। देखा वो इनके 2 to 3 liters वाटर पर डे तो यू वांटेड इन योर बॉडी वांटेड ना, तो इसी तरह ये जब पानी ही साफ नहीं पियेंगे तो वह डिजीज़ भी इसी से स्टार्ट हो जाएंगी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाइन्स कंडीशन लीक हो जाती हैं कभी कभार, उनमें कंटिमिनेटेड विद द लीड एंड मरकरी, हॉस्पिटल वेस्ट आ जाता है उसमें, फार्मा वेस्ट आ जाता है जो वहाँ से निकलता है, आपके इंडस्ट्री एरिया से निकलता है। ओनली 10% कलेक्टेड सेवेज इज इफेक्टिविटली ट्रीटेड, यानी कि इस तरह देखा जाए तो उसको कोई इतना मिसमैनेजमेंट हुआ हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो पानी पी रहे हैं, सही है, अब वो फिल्ट्रेशन का निज़ाम भी कभी कभार इतना दुरुस्त नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें कवर करनी चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल एरिया से कवर करनी चाहिए। अब देखो पेपर एंड पल्प है, फूड प्रोसेसिंग है, शुगर है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, जितने भी प्रोडक्शन हो रही है वो चीज़ों को साफ़ करते हैं, धोते हैं, बनाते हैं, किसी चीज़ में ऐड करते हैं, बॉयलर में पानी गर्म हो रहा होता है, वो पानी का जिससे वेस्ट कहीं तो जाएगा। अब सारी बात अगर हम जहाँ बार बार हम यही करेंगे, वेस्ट वेस्ट को आपने इतना ज़्यादा जो है एक इतना अच्छा हमारा एक प्रॉपर चैनल ही नहीं है कि हम उसको एक अच्छे तरीके से या तो डम्प्ड कर सकें, ये एक प्रॉपर और एक सेफली अपने अपने उस रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकाल सकें, ताकि वो हमारे पीने के फ्रेश वाटर को डिस्टर्ब ना करें।
अब अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इतना डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम प्रॉपर चैनल्स नहीं बनाएंगे ताकि हमारे रेजिडेंशियल एरिया से बिल्कुल बाहर चला जाए। इन पाकिस्तान ओनली 1% ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड बाय इंडस्ट्रीज बिफोर बीइंग डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड ड्रेन। इंडस्ट्रियल वेस्ट पर सिटी, अगर हम इसको देखें कि केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ से वेस्ट निकलता है, या कराची से कितना वेस्ट निकलता है, या मुल्तान से, क्योंकि ज़ाहिर हर कोई पाकिस्तान पाकिस्तान का जो कह सकते हैं कि जो कराची है यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट द इन कराची सिंध इंडस्ट्रीज़ ट्रेडिंग स्टेट तो एंड कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एंड औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट इन पाकिस्तान, देर इज़ नो इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा यहाँ पर कोई आप यहाँ खुद बता रहे हैं कि वो कोई इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं, एंड द वेस्ट कंटेनिंग द हैजर्डस एंड मटीरियल्स हैवी मेटल्स ऑयल एक्सेट्रा इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स, उनको डायरेक्ट वो रिवर्स में भेज देते हैं। अब वो रिवर्स में जाते हैं, अब वो फिर पीने का पानी भी, अब वो फिल्ट्रेशन का प्लांट तो लगा हुआ है हमारे घर में आने से पहले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रिवर में एक पाइप लगाओ और एक पंप लगा दियो, पंप जो है वो सारे कराची में पानी वो सप्लाई करे, नहीं ऐसा नहीं है, वो फिल्ट्रेशन का प्लांट तो है, मगर जो जो चीज़ें पानी में मिल जाती हैं उनको एक ही तरीके से फ़िल्टर नहीं किया जाता, उसके बहुत मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें अपने अगर हमने चीज़ों में शामिल करनी है तो अपना फ़िल्ट्रेशन का हम जो प्लांट है वही इतना हम अच्छे तरीके से और इतना पावरफुल लगाएं कि वो हर चीज़ फ़िल्टर कर ले, और वो सारी चीज़ें पानी से रिवर से दूर रखें, वो पानी में मिक्स ना हो जो हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती हैं। लाहौर में लोग मीट से परेशान नहीं है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो साफ़ पानी बहुत ज़्यादा है, मगर क्या है वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर समंदर तो है नहीं, ठीक है। अब वहाँ पर भी समंदर नहीं तो वो वही चाहते हैं कि सारा जो मवाद है इंडस्ट्री का वो भी हम जो है वो अपना रुख जो है वो उस तरफ रिवर की तरफ मोड़ दें। अब जब रिवर गंदा होता है तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के लोग वहाँ पर बहुत सारे, तो लाहौर में अभी भी ऐसे थोड़ा लाहौर से आगे जाएंगे तो गांव हैं और जो वहाँ पर आसपास रहते हैं जिनके घरों में पानी जो है वो वेल के ज़रिए आता है या वो पंप लगाया हुआ उन्होंने, वो पंप के ज़रिए वो ऐसे निकालते हैं। अब सारे जब पानी ज़मीन के नीचे जाएगा तो वो वेस्ट भी ज़मीन के नीचे जाएगा और वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर के ज़रिए वो वेस्ट जो है वो पीने के पानी में मिल जाएगा, और फिर पानी वो जैसे पंप सक करता है वो पानी ऊपर लाएगा, लोग अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। ओके तो यही है हमारी आज की स्लाइड्स और ये हमारा आज का टॉपिक है। हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस बारे पे हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है, आखिर हम किन किन चीज़ों को अपने हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, और क्या क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्हेंस कर रही है, इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड ये इसी का पार्ट होगा जिसमें हम सोल्यूशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इंशाल्लाह एंड यू विल बी सी योर क्विज आफ्टर दिस लेक्चर ऑन एडबॉक्स। उम्मीद है कि सारे बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से एडबॉक्स का लेक्चर क्विज है उसको अटेम्प्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।